कोई भी फ्रिक्शन नहीं है तो आप डायग्राम पे एट के जी पे डाउनलोड फोर्स होगा एट जी दट इज एटी न्यूटन फाइव के जी पे होगा फाइव जी दैट इज फिफ्टी न्यूटन इधर मान लो टेंशन है T1 तो इस स्ट्रिंग पे टेंशन ले लो T2 सो so, के kg के ऊपर जो टेंशन होगा वो लेफ्ट साइड होगा T1 राइट साइड होगा T2 तो so, अभी ये तीनों अटैच हैं तो इसका मतलब तीनों का एस्लेरेशन सेम होगा सो so, 8 kg मूव्स डाउनवर्ड विद एस्लेरेशन A तो so, के kg भी लेफ्ट साइड मूव होगा विद एस्लेरेशन A 5 kg अपवर्ड मूव होगा विद एस्लेरेशन A तो so, अब लिखेंगे यहां पे नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए इज फॉर 8 के 5 फाइव के 7 एंड सेवन के जी तीनों के लिए लिखेंगे नेट फोर्स इजिकल टू एम ए तो फर्स्ट एट के जी के लिए डाउनवर्ड फोर्स ए और फोर्ड फोर्स t1 वन इज इक्वल टू एट ए देन फाइव के जी के लिए फाइव के जी के लिए अपवर्ड फोर्स टी टू माइनस फिफ्टी इज इक्वल टू फाइव ए तो दोनों को सॉल्व करते हैं तो एटी माइनस तो फिर से लिखते हैं नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए फॉर सेवन के जी तो सेवन के जी लिख के हो जाएगा ये टी वन माइनस टी टू इज इक्वल टू सेवन ए तो इसको हम ऐड करते हैं अभी प्रीवियस इक्वेशन के साथ टी वन माइनस टी टू इज इक्वल टू सेवन ए तो माइनस टी वन प्लस टी वन कैंसल प्लस टी टू माइनस टी टू कैंसिल सो थर्टी इज इक्वल टू ट्वेंटी बाई 20 that is 1.5 meter per second square so correct answer is 1.5 meter per second square thank you